जय हिंद दोस्तों, चाणक्य आईएएस जयपुर के YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए यार, हम एक बहुत अच्छी सीरीज शुरू करना चाह रहे हैं और उस सीरीज का नाम रखना चाह रहे हैं भौकाल सीरीज। नाम पता है भौकाल? भौकाल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको मतलब मजा दे दे। तो स्पेशली जो बच्चे यूपीएससी की या आरएएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और जब वो अपना मेंस का आंसर लिखते हैं, कभी कभी प्रीलिम्स के केस में भी कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनको आपको आंसर में जब आप दिखाओगे तो उनसे आपके आंसर की वैल्यू, आपके आंसर पे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, एग्जामिनर पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि हर एक थीम पे, जैसे क्लाइमेट चेंज एक थीम है जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे, ऐसे ही पॉवर्टी एक थीम है, अलग अलग थीम्स पे हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट भौकाली शब्द, क्या बोला, भौकाली कीवर्ड्स देंगे जो आप जब आंसर में लिखेंगे तो आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाएगी। कोई नहीं दोस्त, शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हम थीम रखते हैं क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज में जो पहला कीवर्ड मैं आपको दे रहा हूं उसका नाम है, बोलिए भाई साहब, उसका नाम है इको एंजाइटी। इको एंजाइटी क्या होता है? देखो यार, बाबा रामदेव कहते हैं ना भाई, करने से होगा, सोचने से नहीं होगा। हम लोग सोचे पड़े भगवान भगवान, इको एंजाइटी, एनवायरमेंट खराब हो रहा है, क्लाइमेट खराब हो रहा है, और यूथ अलग लेवल की टेंशन ले रहा है। देखिए, इको एंजाइटी जिसको हिंदी में कह सकते हैं हम लोग, अगर बोले तो पर्यावरण की चिंता है ना, पर्यावरण की चिंता करने से कुछ नहीं होगा, इको एंजाइटी लेने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो कहीं पे भी मेंस में आपको जीएस पेपर 3 में लिखना हो एनवायरमेंट के पेपर में, तो आप इको एंजाइटी वर्ड को यूज कर सकते हैं। सेकेंड वर्ड इज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट जस्टिस। क्लाइमेट जस्टिस क्या होता है दोस्त? क्लाइमेट जस्टिस का मतलब होता है जलवायु न्याय। यार देखो, कोई भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेट्स से बहुत छोटी सी बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से लेट्स से पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन का इंपैक्ट इन अमीर आदमी पे और किसी गरीब आदमी पे अलग अलग तरीके से होगा। अमीर आदमी तो उस गंदे पानी को आरओ लगा के पानी पी सकता है, साफ पानी से पिएगा, पर शायद गरीब आदमी के पास आरओ लगाने की क्षमता नहीं है। इसलिए क्लाइमेट जस्टिस की भी हमको, पर्यावरण न्याय की भी बेहतरीन जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके नोट्स बनाते रहिएगा, है ना, समझ रहे हैं? जब आपको अगर पेपर निकालना है तो नोट्स बनाना जरूरी है। सीरियसली करेंगे तैयारी, सिंसियरली करेंगे तैयारी, पेपर हम निकलवा देंगे। क्लाइमेट जस्टिस के बाद एक और वर्ड होता है, उस वर्ड का नाम है आपका क्लाइमेट फोर्सिंग, कि कैसे क्लाइमेट चेंज अपने आप को आपके ऊपर फोर्स कर रहा है, किसी एक क्षेत्र को, किसी एक रीजन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दे रहा है। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे जलवायु बाध्यता, कि जलवायु परिवर्तन बाध्य कर रहा है किसी भी जगह पे, कि भैया यहां पे जलवायु परिवर्तन हुआ, इस जगह पे ये परिवर्तन होने ही होने हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं उन चीजों के लिए, तो इसको कहेंगे जलवायु बाध्यता। तो आप जलवायु परिवर्तन कम कीजिए, ये बाध्यताएं भी अपने आप कम हो जाएंगी। एक और वर्ड मैं आपको बताऊंगा, उसको कहते हैं मिटिगेशन पोटेंशियल, मतलब हिंदी में बोले तो जलवायु शमन क्षमता। यार हमारे हाथ में क्या है, कहते हैं ना छोटे बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है कि हम देश चेंज कर सकते हैं, मुट्ठी में है कि हम जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं, लेकिन क्या है हमारे हाथ में, कितने स्तर तक हम एफर्ट मार सकते हैं, उसको कहेंगे जलवायु शमन क्षमता, क्लाइमेट मिटिगेशन पोटेंशियल। और एक और वर्ड जो बहुत प्यारा है, देखो उस वर्ड का नाम है परमा क्राइसिस, कि देखो यार क्लाइमेट चेंज हम जब पैदा हुए थे तब भी सुन रहे थे, अब बड़े हो गए तब भी सुन रहे हैं, और शायद आगे भी क्लाइमेट चेंज का रोना हम सुनते रहेंगे। तो क्लाइमेट चेंज हैज बिकम अ परमा क्राइसिस काइंड ऑफ सिचुएशन, जो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हर जगह से क्लाइमेट चेंज की आवाज आ रही है, तो एक परमा क्राइसिस बन गई है, याद रखना परमा क्राइसिस बन गई है। अब मुझे बताइए, परमा क्राइसिस को 2022 में वर्ड ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था कॉलिंस डिक्शनरी में, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए ये तो हुई क्लाइमेट चेंज की बात, अब मुझे आप बताओ कि आप नेक्स्ट वीडियो में हमसे किन वर्ड्स के ऊपर चाहते हैं कि हम उन वर्ड्स, उन थीम्स के ऊपर कीवर्ड्स बना के लेके आए आपके लिए, जिससे आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए और आप, हो सके तो भगवान करे, आप टॉप कर जाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।